G20 बैठक का आज दूसरा दिन है। SKICC में ये बैठक जारी है। करीब 60 के करीब जो प्रतिनिधि है वो G20 बैठक में शामिल हो गए हैं और लगातार फिल्म टूरिज्म और एडवेंचर और इको टूरिज्म पर लगातार चर्चा हो रही है। हम इस वक्त श्रीनगर के डल लेक के किनारे पे हैं और यहाँ पे तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि लगातार इस बैठक के लिए सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो लगातार जारी है। और इस वक्त जो आप स्क्रीनों पर तस्वीरें देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान मिलकर अब डल की पेट्रोलिंग के लिए इनकी डिप्लॉयमेंट यहां पे जारी है। फिलहाल बोट्स के जरिए इनको झील डल के डिफरेंट एरियाज में लिया जाएगा और इस तरह से जो सुरक्षा कवर है वो मजबूत दिखाई दे रहा है। लगातार इस तरह की पेट्रोलिंग झील डल में पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं। मार्कोस की स्पेशल टीम, NSG की स्पेशल टीम भी श्रीनगर में लगा दी गई है। CRPF के स्पेशल कमांडोज भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं और इस तरह से ये डिप्लॉयमेंट इस वक्त हो रही है। और श्रीनगर के बाहर भी और कश्मीर घाटी के अन्य इलाकों में भी सुरक्षा के बड़े पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आज G20 बैठक का दूसरा दिन है। कल हमने देखा कि किस तरह से स्वागत किया गया तमाम उन प्रतिनिधियों का जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और इस बैठक में आज फिल्म टूरिज्म पर फिर एक बार चर्चा होगी। करीब 9:15 के करीब दोबारा सेशन सेकंड जो है वो आज शुरू होगा SKICC श्रीनगर में।